सो गैज वेलकम बैक ट्वेल्टी ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माई रूम बहुत दिनों सामने रूम में वीडियो में बनाई थी तो टूडे इज द आइडियल सिचुएशन फॉर दिस वीडियो क्योंकि बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो है एंड अगर तुम पर था आरो ऑस्ट्रेलिया आरो दिस वीडियो इज डेफिनेटली टू वॉच आउट फॉर क्योंकि इसमें तुम ऐसी टिप्स मिलेंगे जो मेरे हिसाब से अभी तक तुम्हें किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई होगी दैट हाउ कैन यू मेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विदाउट वर्किंग ओवर टाइम ठीक है एक होता है वर्क हार्ड करना और एक होता है वर्क स्मार्ट करना हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो भाई वीडियो चालू करने से पहले भाई मेरे को बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ था कि भाई हमारे सेवेंटी फाइव के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो भाई हाथ जोड़ के धन्यवाद जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो जो हमारा चैनल शुरू से देखते आ रहे हैं जब हमने चैनल खोला था जब भी खोला था एक डेढ़ दो साल पहले ठीक है इट रिली मीज अलॉट सेवेंटी फाइव के हो गए नेक्स्ट माइल स्टोन इज ऑब्वियसली हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स कुछ बड़ा करेंगे भाई इट्स योर लाइफ विल मेक इट लार्ज ठीक है एंड सेकंड पॉइंट यह कि भाई वीडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली थोड़ी कम हो गई थी इसका रीजन क्या है कि काम तो देखो चल ही रहा है काम कभी रुकता नहीं स्टूडेंट लाइफ में ठीक है uh, मैंने थोड़ा जिम ज्वाइन किया हुआ बिकॉज आई एम फोकसिंग अपट ऑन माई फिटनेस क्योंकि मुझे काफी लोग कह रहे थे कि मैं मोटा हो रहा हूँ oh, काफी लोग मतलब अपने घर वाले कह रहे थे कि काफी मोटा हो रहा हूं तो भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था दो साल पहले मैं कुछ इस तरह दिखता था और अब तुम देख सकते हो कि मैं ऐसे दिखता हूँ तो मैं थोड़ा हेल्थी हो गया हूँ फैल रहा हूँ मैं नीड टू कीप इट अंदर कंट्रोल ठीक है तो वो भी एक रीजन है बट आज की वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऊबर में चाहे तुम ऊबर ईट्स कर रहे हो या मतलब ऊबर ईट्स तुम साइकिल पर कर रहे हो बाइक पर कर रहे हो स्कूटर पर कर रहे हो कार पर कर रहे हो मैटर नहीं करता हाउ कैन यू मेक एटलीस्ट फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड डॉलर पर वीक ठीक है क्योंकि यहां पर सारे एक्सपेंसिस पर वीक होते हैं तो हम पर वीक में डीलिंग करेंगे मंथ मंथ का कोई साध नहीं रखना तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड तो भाई वीडियो एक बार शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपना एक अर्निंग स्टार्ट दिखाता हूँ जो तुम्हारी स्क्रीन पर अब होगा तो तुम देख सकते हो कि ईजिली मैंने पंद्रह सौ डॉलर कर लिए हैं काम करके विद इन अ वीक जो कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं ऐसा भी नहीं कि भाई मैंने दिन दिन भर बारह बारह घंटे काम किया सातों दिन जिसमें बारह इंटू सेवन कितना होता है यार एक सेकेंड बारह इंटू सेवन सेवन टू फोर सेन सेवन एट हाँ तो अगर तुम डेली बारह घंटे काम करो सात दिन तो तुम एटी फोर आवर्स डाल सकते हो मैंने उसका हाफ काम करके पंद्रह सौ किया ठीक है तो हम पार्ट टाइम के हिसाब से काम करते हैं इवन दो इसमें सौ दो सौ या तीन सौ का प्रमोशन था बट दैट इज ऑल राइट क्योंकि वो एक्चुअली मेरा फील्ड में चला जाता है इन एनी केस तो कुछ ना करके भी अगर तुम पार्ट टाइम ओवर कर रहे हो लेकिन अपने फ्री टाइम में ठीक है जिस टाइम को तुम किल करते बेसिकली लेट्स से तुम सुबह काम पे गए हो शाम को तुम्हारे पास कुछ नहीं करने को गो फॉर इट स्टार्ट दी ऊबर क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी है तुम्हारे पास ऐप है तुम्हारे पास सब कुछ है बस ऑन करना और निकलना है तो यही मैं करता हूं सिर्फ पार्ट टाइम और सिर्फ फ्री टाइम में तो अगर मैं पंद्रह सौ कर सकता हूं बिल्कुल लेजी काम करके तो मैं अपने हिसाब से बताऊं अगर मैं ढंग से काम कर लू पार्ट टाइम में तो टू थाउजेंड डॉलर कैन इजिली बी टस्च विद इन अ वीक ठीक है और ये फ्लूक नहीं है तो मैं रियलिटी बता रहा हूं मैं और लोग मुझे नहीं पता क्या बताते हैं बट द थिंग इज जितना सच होता उतना बेटर है फालतु में झूठी होप्स देखे फायदा नहीं है तो ईजिल तुम इतनी इनकम कर सकते हो बट ये इनकम डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे वो क्या फैक्टर है वो देख लेते हैं तो सबसे पहला फैक्टर जो देखो एक डिपेंड करता है वो पहली बात है कि तुम ऊबर फुल टाइम कर रहे हो कि पार्ट टाइम कर रहे हो ठीक है लास्ट की बात बताता हूं जब ऊबर में कोई लिमिट नहीं होती करती थी लोग भाई दिन दिन भर ऊबर करते थे ठीक है लाइक like मंडे बारह पंद्रह सोलह घंटे कर लिए तीन चार घंटे रेस्ट करके फिर चले गए तो उबर ने एक पॉलिसी निकाली है कि अब एक बारी में सिर्फ बारह घंटे काम कर सकते हो विदिन अ ट्वेंटी फोर आवर पीरियड उसके बाद आपको आठ घंटे ऑफलाइन रहना पड़ता है सो दैट यू कैन गो ऑनलाइन बैक अगेन सो फॉर एग्जाम्पल तुमने सुबह बारह बजे स्टार्ट किया लाइक दोपहर को बारह बजे स्टार्ट किया लगातार तुमने ऑनलाइन रह के काम किया रात के बारह बजे तक उसके बाद तुम्हें आठ घंटे का रेस्ट चाहिए भाई बॉडी को नींद मांगते हैं ठीक है दिन भर गाड़ी में नहीं बैठना होता उसके बाद आठ घंटे बाद यू कैन गो अगेन तो पहला फैक्टर यही है कि भाई तुम उबर पार्ट टाइम करते हो कि फुल टाइम ठीक है तो जैसे अब देखो मैं फुल टाइम का एस्टिमेट तुम्हें बहुत प्रिसाइजली दे पाऊंगा क्योंकि मैं फुल टाइम काम नहीं करता इनफैक्ट मेरे कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है कि जो जिसकी प्राइमरी जॉब ऊपर हो ठीक है यहां जितने भी स्टूडेंट्स ज सेकेंड जॉब यूज करते हैं थर्ड जॉब यूज करते हैं बट प्राइमरी जॉब मैं रिकमेंड करूंगा कोई टी वाली जॉब पकड़ो जो तुम्हें अच्छा पे करे। एंड अगर तुम्हें सरप्लस मनी चाहिए Uber Eats, है? तो स्टार्ट करते हैं कि तुम मैक्सीमाइज कैसे कर सकते हो अपनी इनकम को ठीक है एक होता है कि तुमने काम किया पैसे एक होता है तुमने स्मार्ट काम किया कम घंटे दिए एंड मैक्सिमम तुमने यूटिलाईज किया उस टाइम को तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है कि भाई डिलीवरी इन पीक आवर्स ठीक है पीक आवर्स का मतलब होता है कि वीक डेज की बात करते हैं पहले मंडे टू फ्राइडे इलेवन टू थ्री का जो दोपहर का टाइम होता, होता है दैट इज लंच टाइम पीक आवर्स होता है बहुत बिजी होता है एंड सिक्स टू नाइन एट नाइट जो कि इवनिंग का टाइम होता है दट इज अगेन ऑल्सो बिजी ये ट्रेंड तुम्हारा मंडे से लेकर फ्राइडे तक रहता है अगर तुम इन घंटों में मान लो तुमने नौ घंटे भी काम किया लाइक दिन घंटे लंच टाइम तीन घंटे लंच टाइम पे और छह छह घंटे तुमने या फिर चार घंटे निकाल लिए तुमने इवनिंग में तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग इन द पीक टाइम्स तुम पीक टाइम के बाहर भी काम कर सकते हो बट उसमें क्या तुम्हारी तो तो इनकम इफेक्ट होगी छोटी ट्रिप्स आएंगी और कम पैसे मिलेंगे एंड अनदर थिंग टू बी नोटेड इसकी पीकार्ड तुम्हें बूस्ट लगा होता है सो लेट्स से अगर तुम्हें एक ट्रिप का फ्लैट कॉस्ट मिल रहा है सिक्स डॉलर तो बूस्ट बूट हो सकता है उसका वन पॉइंट थ्री है वन पॉइंट फोर टाइम्स तुम्हें मिले तो अगर तुम दस बारह ट्रिप कर लेते हो तो इट ऑल एड्स तुम्हें बीस है तीस डॉलर के प्रॉफिट में हो गए डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ ट्रिप्स तो चूजिंग योर टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम पीक कार्ड में ही डिलीवरी करो सेकंड पॉइंट आता है कि अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक है अब कुछ ट्रिप्स आती हैं ऑब्वियसली बहुत पास की आती हैं 800 मीटर की आती है एक किलोमीटर की आती है जो तुम फटाफट नक्की कर सकते हो और कुछ कुछ ट्रिप्स आती है जो दूर की आती है बट दे इवन पे यू मोर तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक्चुअली क्या तुम प्रेफर करते हो जैसे अगर तुम बाईसइकल पे फॉर एग्जांपल तो मेरे हिसाब से बाईसइकिल पे सबसे फीजिबल ऑप्शन ये है कि पास की ट्रिप्स करो और जल्दी जल्दी करो क्योंकि साइकिल्स और स्कूटर्स आई डों थिंक तुम्हें चार या पांच किलोमीटर से ऊपर की ट्रिप आएगी बट कार में आपको दस दस बारह बारह किलोमीटर की ट्रिप भी आती है तो अगर आपका टारगेट है कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकूँ तो मेरी राय यही है कि भाई पास पास की डिलीवरी करो पैसे कम मिलेंगे बट अगर आप सेम एरिया में रहोगे आपको ज्यादा ट्रिप्स आती रहेंगी और कम टाइम में आप ज्यादा ट्रिप्स कर पाओगे सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल कल की बात है मेरे को एक ट्रिप आई थी एटीन डॉलर पे कर रही थी और साढ़े बारह किलोमीटर की ट्रिप थी तो साढ़े बारह किलोमीटर तो भाई ऑन पेपर डिस्टेंस गया वहां जाने में टाइम लगता है रेड लाइट्स आती हैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑब्वियसली तो मेरे हिसाब से चाहे तुम गाड़ी में हो या किसी में भी हो अगर तुम्हें देखो पैसे चाहिए तो तुम ऑब्वियसली जो मर्जी ट्रिप आ रही है कोई भी कर लो मैटर नहीं करता बट अगर यू आर अगेन फोकसिंग जो वीडियो का टॉपिक है मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम तो आई वुड सजेस्ट कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू की कौन सी ट्रिप्स लेते हो तुम छोटी ट्रिप्स लेते हो बड़ी ट्रिप्स मेरे हिसाब से अगर तुम छोटी ट्रिप्स लोगे जल्दी कर पाओगे ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे देन थर्ड पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में मैंशन किया दैट इज मोड ऑफ डिलीवरी ठीक है मोड ऑफ डिलीवरी मीनस कि तुम बाइक पे कर रहे हो स्कूटर पे कर रहे हो साइकिल पे कर रहे हो कार पे कर रहे हो नेचुरल सी बात है अगर तुम पे हो तो जैसे मैं फॉर एक्जाम्पल लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लेता हूं मैं साइकिल पर डिलीवरी करता था सिटी में करता था और सिटी में काफी नीड होती थी बाईसइकल्स की खासकर क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होता है तो लोग गाड़ी में इतना प्रेफर नहीं करते डिलीवरी you know, करना मैंने प्रीवियस दो वीडियो में बताया था कि अगर तुम सिटी में डिलीवरी कर रहे हो कार पे तो भाई बहुत ट्रैफिक मिलता है एंड समटाइम्स इट्स बेटर टू गो अ सबर्ब दैन वॉकिंग इन द सिटी बट लेकिन अगर तुम साइकिल पे कर रहे हो तो भाई सिटी में बहुत फायदा है क्योंकि तुम फुटपाथ यूज कर सकते हो डब्ल्यू ए खासकर इट्स लीगल टू राइड अ साइकिल ऑन द फुटपाथ ठीक है बाकी स्टेट्स का नहीं पता डब्लू एम इट इज लीगल तो साइकिल से भाई तुम्हारा ट्रैफिक का टाइम बचता है तुम्हारा पार्किंग का टाइम बचता है एंड ओवरऑल तुम ज्यादा ट्रिप्स कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सो मोड ऑफ डिलीवरी इज ऑल्सो गुड बट देखो मैं कार प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि कार में तुम्हारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि साइकिल पर तुम्हें सिर्फ छोटी ट्रिप्स आएंगी बट कार में अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास छोटी ट्रिप्स भी आएंगी एंड बड़ी ट्रिप्स भी आएंगी सो यू हैव टू ऑप्शन टू चूज फ्रॉम ठीक है तुम्हारा जो अर्निंग क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज होती है वो ज्यादा हो जाती है कार में सो so मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कार बट भाई कुछ लोगों के पास आते फाइनेंस नहीं होता दे डोंट डू इन कार तो भाई वो तुम्हारे ऊपर है आई वुड स्टिल सजेस्ट साइकिल इज अ गुड ऑप्शन क्योंकि तुम फ्यूल बचा रहे हो तुम्हारा टाइम बच रहा है ट्रैफिक में तुम्हें पार्किंग नहीं करनी पड़ेगी तो भाई और क्या चाहिए तुम उसमें भी अच्छा धन छाप सकते हो देन फोर्थ और फाइनल पॉइंट इस वीडियो का है जो मेरे पक्ष में है दैट इज एरिया ऑफ डिलीवरी ठीक है सिटी और सबर्ब सो दिस इज काइंड ऑफ लिंक टू द प्रीवियस पॉइंट कि ये ऑब्वियसली टाइम पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम पे और किस जगह पे डिलीवरी कर रहे हो अगर तुम सिटी में डिलीवरी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम बाइसकल यूज कर रहे हो या बाइक यूज कर लो लाइक like मोटरसाइकिल और स्कूटर्स कार यूज कर रहे हो तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि तुम सबर्ब में जाओ एंड एरिया मैटर ये भी करता है कि तुम मान लो किसी सबर्ब में हो पीक टाइम पे ठीक है पीक रश टाइम चल रहा है बट वहां पर इतने रेस्टोरेंट से नहीं है यार जो उबर को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारा रश में में सबब में करने का सिटी में करने का फायदा तभी होगा जब आसपास रेस्टोरेंट्स हो तुम्हारे ठीक है मैंने बहुत लोग देखे मेरी खुद भी मेरे, साथ बहुत बार गलती हुई है रश टाइम में मेरे को कोई दूर की है मेरे को दूर ड्रॉप कर दिया उसने सबब में मैं वहां पे घूम रहा हूं बट ट्रिप ही नहीं आ रही इवन दो इट इज रश आर बट अगर वहां पे रेस्टोरेंट से नहीं होंगे और लोग ही ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे तो भाई ट्रिप्स नहीं आएंगी एंड इट विल अगेन अफेक्ट योर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो भाई यही थी आज की वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प होपफुली तुम्हें ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी होगी अगर तुम पर ऑस्ट्रेलिया में आगे उबर स्टार्ट कर, कर रहे हो उबर ही स्टार्ट कर रहे हो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज लीव अ लाइक एक और ऊबर की वीडियो चाहिए हो तो भाई दबा के कमेंट करो और अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चाहिए लाइक उबर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर साइकिल्स पे सेपरेटली फॉर कार क्योंकि भाई दोनों के डॉक्यूमेंट्स मोस्टली सेम होते हैं बट कुछ कुछ लॉज रेगुलेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट फॉर कार एंड डिफरेंट फॉर द साइकिल तो अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए हो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे या फिर साइनअप प्रोसेस पे प्लीज़ कमेंट करो इस वीडियो पे लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड आ सी यू गाइस द नेक्स्ट वन थैंक यू फॉर सेवेंटी के सब्सक्राइबर्स नेक्स्ट माइलस्टोन इज ऑब्वियसली हंड्रेड के मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन